हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, लेनोवो आज योगा नाम के एक सीरीज़ के अंदर A940 एक ऑल इन वन डेस्कटॉप लॉन्च कर दिया है। उसके साथ ही साथ दो आइडिया पैड्स भी लॉन्च किए हैं, तीन आइडिया पैड्स लॉन्च किए हैं, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है S145, S340 एंड S540, जो कि लैपटॉप तीनों लॉन्च करे हैं। एक डेस्कटॉप लॉन्च करा है, तीनों लैपटॉप। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो तीन चार चीज़ें लॉन्च हुआ है, ये क्यों सबसे यूनिक है और इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको ये जानना ज़रूरी है कि लेनोवो का जो ये A940 है, ये बेसिकली एक डेस्कटॉप है और ये बेसिकली टारगेटेड किया गया है उन को जो ऑडियंस ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हैं, आई मीन टू से जो लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो एडिट करते हैं, फोटोज़ को एडिट करते हैं, फिल्म को एडिट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काम किया गया है। और बाकी जो तीनों लैपटॉप की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, आई मीन S145, S340 एंड S540 लैपटॉप, ये जो तीनों लैपटॉप है ये बेसिकली काम करेंगे जो मिड रेंज ऑडियंस है, जो नॉर्मली लैपटॉप रखना पसंद करते हैं, उन लोगों को फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं लेनोवो योगा A940 पे, जो कि काफ़ी पावरफुल एक मशीन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका प्रोसेसर है इंटेल का कोर i7 8th generation, और साथ साथ यहाँ पे आपको 16 GB ऑफ रैम मिल जाएगा, और साथ साथ आपको यहाँ पे AMD RX 560 ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पे 512 GB स्टोरेज SSD मिलेगा, और साथ साथ 2 TB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 27 इंच का एक क्वाड HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड करेगा। सबसे बढ़िया बात जो कि है, ये टोटल पैकेज आपको मिल जाते हैं 1,69,990 रुपीज़ में। ये प्राइस ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये फोकस किया गया है ओनली ऑन क्रिएटिव ऑडियंस को। अभी बात करते हैं जो मिड रेंज मार्केट सेगमेंट के लिए लॉन्च हुआ है लेनोवो आइडिया पैड S540। सबसे पहले बात करते हैं लेनोवो आइडिया पैड S540 का, जो कि प्रोसेसर क्या है। लेनोवो आइडिया पैड S540 का प्रोसेसर है i7 8th generation, और उसी के साथ आपको NVIDIA GTX GeForce 1650 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। 16 GB तक रैम आपको यहाँ पे लगाने की स्पेस दिया जाता है, और 512 GB ऑफ SSD भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ये भी काफ़ी पावरफुल मशीन है, पर उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसके लिए इसका प्राइस भी काफ़ी कम किया गया है, 64,990 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा डील हो सकता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट टू जो लैपटॉप्स लॉन्च किया हुआ है, सबसे अच्छा लैपटॉप यही दोनों है, लेनोवो आइडिया प्रो S340। लेनोवो आइडिया प्रो S340 में आपको यहाँ पे इंटेल i7 8th generation CPU मिल जाते हैं, जो कि एकदम से सेम है बाकी लैपटॉप और डेस्कटॉप के मुकाबले। और साथ साथ यहाँ पे आपको 16 GB ऑफ रैम मिल जाएगी, आपको 2 TB हाइब्रिड स्टोरेज मिल जाएगी, पर आपको यहाँ पे कोई भी SSD देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसका हम लोग प्राइस की बात करें तो ये 36,990 रुपीज़, यानी 37,000 के अंदर आता है। मुझे लगता है ये भी एक काफ़ी अच्छा जो कि प्राइस सेगमेंट हो सकता है एक लैपटॉप को लेने के लिए। पर अगर आप देखते हैं लेनोवो आइडिया पैड S145 को, तो यहाँ पे आपको क्लियर विनर यही नज़र आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे दोनों वेरिएंट इंक्लूड किया गया है, AK14 इंच, AK15.6 इंच। इन दोनों वेरिएंट में आपको इंटेल i7 8th generation का प्रोसेसर मिलेगा, 12 GB तक आप रैम लगा सकते हैं, 1 TB SSD है, और साथ साथ 256 GB SSD है, जो कि एक जो नॉर्मल यूज़र है जो डेली बेसिस में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और साथ से यहाँ पे इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हाई लेवल गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे, पर सारे के सारे काम कर पाएंगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, NVIDIA GeForce MX 1110 GPU आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे एग्रेसिव चीज़ क्या है पता है, इसका प्राइस है, क्योंकि इसका प्राइस आपको 23,990 रुपीज़ से आता है। तो ये बेसिकली आज लॉन्च हुआ है, ये एक कंप्यूटर जो कि है टोटल एक डेस्कटॉप है ऑल इन वन, और जो तीन लैपटॉप लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो ये सब लॉन्च हुआ है, यही मुझे बताना था आपको। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ को लेना पसंद करेंगे। अगर आप एक नया आइडिया पैड या लेना लैपटॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर इसको आप एक आपका एक चॉइस हो सकता है। तो वीडियो इतना, इस वीडियो को मैंने यही बताया इसका एक्चुअल स्पेसिफिकेशन क्या है, क्यों ये सबसे यूनिक है, ये मैंने बता दिया आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ ओपिनियन हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।